ये है जे जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क में सबसे पहले सन 1951 में मुस्लिम रिजर्वेशन की उसूल याबी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उसके बाद से जमीयत उलमा हिंद और अकाबरीन जमीयत ने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में, मुख्तलिफ जलसों में, उसके बाद के दीगर प्रोग्रामों के अंदर बार बार हुकूमत से मुतालबा किया कि भाई हमें जो रिजर्वेशन मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उसका आइनी और बुनियादी हक है। इसी के पेश नज़र जमीयत के इस मुतालबे पर बलाखिर हुकूमत ने आंध्र प्रदेश, सूबे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दीगर रियासतों के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। हुकूमत हिंद के इस मुतालबे जो किया गया है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत को जो मुतालबा हमने किया है और हमारी जो बात मानी गई है, इसके पस मंज़र में महाराष्ट्र जमीयत उलमा ने जमीयत उलमा हिंद मरकज़ की जानिब से उसके ईमा पर महाराष्ट्र के अंदर भी रिजर्वेशन की तहरीक शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के अंदर इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें, मुख्तलिफ प्रोग्राम और धरना आंदोलन का किया गया और उस हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके बाद मुख्तलिफ मौके पर हमारे इस मुतालबे में शिद्दत आती गई, मुख्तलिफ दोस्त पार्टियों ने और दीगर लोगों ने भी इस मामले में हमारा पूरा ताउन और साथ दिया। मुख्तलिफ तरीके से काम से चली, आखिर में गुज़श्ता साल भी 9 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही वक्त के अंदर, गुज़श्ता साल 2017 में पूरे महाराष्ट्र के अंदर धरना आंदोलन दिया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेहतर नतीजे सामने आए और हुकूमत रिजर्वेशन देने पर मजबूर हुई। 5% उन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, साथ ही साथ हुकूमत ने 16% मराठा रिजर्वेशन को भी मंजूर किया। लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को, खासतौर से तालीमी मामले में, उसको बहाल रखा और मराठा रिजर्वेशन को यकसर मुस्तरद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जो फिरका परस्त हुकूमत है, ये मुसलमानों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है और मराठों को रिजर्वेशन देने के हक में नज़र आ रही है। इसी खदशे को और इसी बात को सामने रख करके जमीयत उलमा महाराष्ट्र और पूरे जमीयत के ज़िले की शहरी यूनिटें इस बात की शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं कि मुसलमानों को, वो जो कोर्ट ने भी इसको मंजूर किया है, ये हमको हक मिलना चाहिए। उस सिलसिले में एक बार फिर धरना आंदोलन की बात शुरू की गई है, क्योंकि हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क के मामले में हम लोग अमन चाहते हैं। इसलिए एक पुरमन तरीके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ईमा पर पूरे महाराष्ट्र में 10 अगस्त को जुमा के रोज़ जुमा की नमाज के बाद 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक के धरना दिया जाएगा। मालेगांव में भी पुराने प्रांत ऑफिस के ऊपर मालेगांव जमीयत उलमा की जानिब से ये धरना आंदोलन का इंतज़ाम किया गया है। हमने तब पूरे शहर के लोगों को इसमें मदद किया है, बिलखसूस तमाम दीगर मुस्लिम तंजीमें, दीगर पार्टीज़ और तमाम नुमाइंदों को और नुमाइंदों ने शहर को हमने दरख्वास्त की है कि आप तमाम लोग इस धरने आंदोलन में शरीक होकर के अपना मिली फरीजा अदा करें।